अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.4 का पार्ट 5 और लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें क्वेश्चन 3 के बचे हुए पार्ट्स हैं 5 to 7 और फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो आइए हल करते हैं इसे। ये देखें, सी इजिकल टू 4 सेंटीमीटर, ए इजिकल टू 2 सेंटीमीटर। इससे पहले इसके जो पार्ट 4 पार्ट्स मैंने किए हैं वो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके फिगर बना लेते हैं, ए बी और ये सी हो जाएगा। ये 90 डिग्री मिली हुई है हमें, ए मालूम करना है, ये एंगल और ये एंगल भी मालूम करनी है। ए इजिकल टू ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, सी इजिकल टू 4 सेंटीमीटर और ये बी मालूम करना है हमें। पहले साइड मालूम कर लेते हैं बी। फार्मूला है सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बीस मालूम करना है तो बी स्क्वायर को इधर रखते हैं और ए स्क्वायर सी से जाएगी माइनस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी की वैल्यू मिली हुई है 4 होल स्क्वायर, ए की मिली हुई है 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12। बी स्क्वायर इजिकल टू 12 हो जाएगा। हमें बी चाहिए तो इसको भी स्क्वायर रूट करते हैं और 12 को भी स्क्वायर रूट करते हैं, तो बी इजिकल टू, इसके अगर आप फैक्टर्स निकालें तो ये निकलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। 2 to the 4, 4 to the 12, ये पेयर निकल रहा है एक बाहर, तो ये 2 और बाकी बचेगा स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये बी मालूम कर लिया हमने। अब हमने एंगल मालूम करनी है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन ए हाइपोटेन्यूज, तो साइन मालूम कर लेते हैं एंगल ए। साइन मेजरमेंट एंगल ए इजिकल टू ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे सी है, तो ए की वैल्यू मिली हुई है 2, सी की भी मिली हुई है 4, 1 और ये 2 टाइम्स जाएगा। तो साइन मेजरमेंट एंगल ए इजिकल टू हो जाएगा 1/2, तो 1/2 साइन 30 डिग्री के बराबर है आपको पता है, तो मेजरमेंट एंगल ए इजिकल टू ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक साइड मालूम कर ली, दूसरी साइड आपको पता है मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी और प्लस मेजरमेंट एंगल सी, 3 एंगल्स जो है ट्रायंगल में ये 180 डिग्री के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ए हमने मालूम की है 30 डिग्री हो गया, बी मालूम करना है लिख लेते हैं। सी मिली हुई है 90 डिग्री इजिकल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री। 30 डिग्री 90 डिग्री जमा करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, प्लस मेजरमेंट एंगल बी इजिकल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 120 डिग्री बराबर उस तरफ जाएगा माइनस के लिए, 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल बी इजिकल टू ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये तीनों आंसर हमें मिल गए इसके, जो पूछ रहा था पहले बी, तो बी हो गया था 2√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए मालूम की हमने, ये हो गया 30 डिग्री और फिर मेजरमेंट एंगल बी मालूम किया तो ये हो गया था 60 डिग्री। तो यही आंसर थे इस क्वेश्चन के। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 2 आपके सामने है, 6 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। ये बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 3 स्क्वायर 3 सेंटीमीटर। पहले फिगर बना लेते हैं, तो ये हो गया यहाँ पे ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। इसको 90 डिग्री कर लेते हैं, ये मिली हुई है हमें, ये मालूम करनी है एंगल, ये भी मालूम करनी है एंगल। बी मिला हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए मिला हुआ है इसका 3 सेंटीमीटर और सी हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए हमें मिला हुआ है 3√3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी इजिकल टू ये 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 2 टाइम्स हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई ये पेयर बन जाएगा, एक की मतलब लिखेंगे और ये हो जाएगा 9। तो
ये हो जाएगा 27 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 36, तो ये सी स्क्वायर इज 36 हो गया। तो सी स्क्वायर इसको स्क्वायर रूट पर रखते हैं क्योंकि सी की वैल्यू चाहिए हमें, 36 इसको भी स्क्वायर रूट पर रखें, सी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6 निकलेगा सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन का सी का हमने साइड मालूम कर ली। अब हमने एंगल मालूम करना है, तो लिख लेते हैं साइन मायरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हे पार्टीन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए है, हे पार्टीन्यूस सी है, इज इक्वल टू ये 3 स्क्वायर रूट 3 है और अपॉन सी की वैल्यू हमने मालूम करी 6, तो ये 3 यहाँ पे ये 2 टाइम्स जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा साइन मेजरमेंट एंगल ए। तो आपको पता है साइन ये स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है, तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो तीन एंगल्स जो होती हैं ए बी सी तीनों 180 डिग्री के बराबर होता है, तो लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। ए हमने मालूम कर लिया 60 डिग्री, बी मालूम करना है, सी मिला हुआ है 90 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों जमा कर दें 150 डिग्री हो जाएगा प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 150 डिग्री माइनस के लिए चला जाएगा बराबर के उस तरफ, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमने मालूम कर लिए सारे जो हमसे पूछ रहा था, पहले हमने सी मालूम किया इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिर मेजरमेंट एंगल ए मालूम किया वो था 60 डिग्री, फिर हमने मेजरमेंट एंगल बी मालूम किया तो वो था 30 डिग्री। तो ये सारे आंसर जो हमसे पूछ रहा था रिक्वायर्ड ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ये पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन 3 का आपके सामने है, पहले इसकी ट्रायंगल बना लेते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री ये मालूम करनी है, ये एंगल मालूम करनी है हमने, और बी मिला हुआ है 4 ये स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, सी मिला हुआ है इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो ये ए मालूम करना है हमने, फार्मूला इस्तेमाल करते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए मालूम करना है तो यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से माइनस होगा, सी की वैल्यू 8 है होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 4 ये स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 क्यों 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का 8 मल्टीप्लाई 8 64 हो जाएगा, और माइनस ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे पेयर बनेगा 3 ए की मतलब लिखेंगे, तो 64 माइनस 3 16 का 48 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ए स्क्वायर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो दोनों को स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो साइड हमने मालूम कर ली, अब हमने एंगल मालूम करना है, तो साइन ले लेते हैं इसका, साइन मेजरमेंट एंगल ए ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन ए पार्टीन्यूस, तो परपेंडिकुलर ए है, ए पार्टीन्यूस सी है, ए की वैल्यू हमने मालूम की 4, सी की वैल्यू है 8, तो 1 ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 1/2 30 डिग्री के बराबर होता है साइन, तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो तीन एंगल्स आपको पता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। ए हमने मालूम कर लिया है 30 डिग्री, बी मालूम करना है और सी मिला हुआ है 90 डिग्री,
वन ये 80 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री और 90 डिग्री ये 120 डिग्री हो जाएगा, प्लस मेजरमेंट एंगल बी इजिकल टू 180 डिग्री, तो 120 डिग्री जाके माइनस होगा, तो मेजरमेंट एंगल बी इजिकल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, तो मेजरमेंट एंगल बी इजिकल टू ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमने तीनों जो हमसे रिक्वायर्ड पूछ रहा था ट्रेंगल कंप्लीट कर लिया है, तो लिख लेते हैं। ए मालूम किया हमने 4 सेंटीमीटर आया, फिर मेजरमेंट ये सॉरी ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री लिखिए, 30 20 निकल जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा, तो मेजरमेंट एंगल ए इजिकल टू ये हो जाएगा 30 डिग्री, और मेजरमेंट एंगल बी ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो यही था आंसर इस क्वेश्चन का, उम्मीद है अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज x प्लस 8 मीटर एंड द साइड्स आर x मीटर्स एंड x प्लस 4 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो रेक्टेंगुलर पहले बना लेते हैं इसका, ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो गई, इसका डायगोनल बना लेते हैं, ये हो गया, यहाँ पे नाम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया, ये आपको पता है 90 डिग्री है, और साइड्स जो मिली हुई हैं यहाँ पे सी टोटल फील्ड की एरिया है एक्स प्लस 8, तो ये सी इजिकल टू एक्स प्लस 8 हो जाएगा, बाकी दो साइडें इसमें परपेंडिकुलर x प्लस 4 कर लें, दूसरी साइड जो है b x कर लें, तो ये तीनों साइड्स मालूम हैं, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, फार्मूला इस्तेमाल करते हैं c स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, c मिला हुआ है x प्लस 8, x प्लस 8 होल स्क्वायर, ए मिला हुआ है एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर बी का एक्स हमने लिया है, ये देखें होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, जिसमें फर्स्ट का स्क्वायर होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस होता है फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर ट्वाइस लगाते हैं तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड 8x हो जाएगा, और ट्वाइस करेंगे तो 16x हो जाएगा, और फिर सेकंड होल स्क्वायर होता है यानी बी स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64। इसका भी इसी तरह करेंगे, ये फर्स्ट होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है, फिर प्लस ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकंड, ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकंड यानी 4x, ट्वाइस करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस सेकंड होल स्क्वायर जो बी स्क्वायर होता है यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 इजिकल टू ये एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 8x प्लस 16, ये 2x बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है, तो इस सारी रकम को बड़ा इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा ज़ीरो इस तरफ, बाकी रकम सारी इस तरफ माइनस के लिए सारी रकम आ जाएगी, पहले ये लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, अब ये x स्क्वायर प्लस का है माइनस के लिए आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस के लिए आ जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस के लिए आ जाएगा 64, तो ज़ीरो इजिकल टू ये हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, और माइनस की बड़ी रकम है तो माइनस के 16 में से 8 निकल जाएगा तो 8x बचेगा, यहाँ पे 64 में से प्लस का 16 निकल जाएगा तो माइनस 48 बचेगा, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 इजिकल टू ज़ीरो,
तो ये देखें, ये ब्रेक द मिडल टर्म आपको मिल गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 48, दो आधा ऐसे जो मल्टीप्लाई करें 48 एक्स स्क्वायर हो जाए और उनका फ़र्क 8 निकले 8 निकले तो ये हो जाएगा 4 और 12, तो बड़ी रकम माइनस की 12 होगा और प्लस की छोटी रकम होगी। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, दो हिस्सों में तकसीम करेंगे इसे, तो पहला हिस्सा बनेगा प्लस 4x, दूसरा हिस्सा बनेगा माइनस 12x और माइनस 48 इजिकल टू, ये ब्रेक द मिडल टर्म है, मैंने पहले सिखाया हुआ है फिफ्थ यूनिट में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कामन निकल रहा है, यहाँ भी कामन निकल रहा है, x कामन निकल जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा x प्लस 4, यहाँ पे माइनस 12 कामन निकलेगा, बाकी बचेगा x प्लस 4 इजिकल टू, ये हो जाएगा 0, ये कामन निकल रहा है x प्लस 4 और बाकी जो बचा है x माइनस 12 इजिकल टू 0। तो इसे दो हिस्सों में कर दें, पहले हिस्से में ये x प्लस 4 इजिकल टू 0, दूसरे में x माइनस 12 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू प्लस 4 उस तरफ चला जाएगा माइनस के लिए, x इजिकल टू माइनस 12 प्लस के लिए चला जाएगा, तो माइनस 4 इज रिजेक्टेड, इसे हम रिजेक्ट कर देते हैं माइनस 4 को, क्योंकि माइनस का है, बाकी जो प्लस का बच रहा है यानी x इज इक्वल टू 12, यही है आंसर। x की वैल्यू, उम्मीद है सारा ये एक्सरसाइज आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी, तो उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे सारे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे मैट्रिक के स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।